कानून हो तो सबके लिए हो। बॉस डी के बॉस भाग, मैं सेंसर बोर्ड से डेफिनेटली लड़ूंगी। अगर वो पटाखा है तो हम बॉम्ब है। ये हीरोइनों ने तो मुझे बहुत सता दिया है। सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की माँ बन जाती हूँ, मेरे बेटे ऐसे करके कलेजे से लगा लेती हूँ। इनको भी पता चलेगा इनकी भी कोई माँ है इंडस्ट्री में। राखी सावंत को एक बार फिर आ गया है गुस्सा। वो नाराज है सेंसर बोर्ड से। उन्हें गुस्सा आ रहा है कटरीना कैफ पर। वो परेशान है एकता कपूर से। वो दुखी है करीना से, इंडस्ट्री के खान से भी, और ना जाने किस किस से। सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर किस बात से राखी सावंत का टेम्परेचर इतना हाई है। दरअसल सेंसर बोर्ड ने फिल्म लूट में राखी के नए आइटम नंबर के एक वर्ड को कर दिया है बीप, जिस पर राखी अब सेंसर बोर्ड से लड़ने को तैयार है। मैं इसके बारे में बिल्कुल कोई कमेंट नहीं करूंगी और मैं सेंसर बोर्ड से डेफिनेटली लड़ूंगी। राखी को शिकायत है जब सेंसर बोर्ड ने डेली बेली के सॉन्ग डीके बोस को सेंसर नहीं किया तो उनके गाने पर बीप क्यों? डीके भाग भाग भाग, डीके भाग बॉस, डीके बोस भाग, अगर देखा जाए तो ये भी गाली है। इसको सेंसर ने कैसे पास कर लिया? मैं सेंसर बोर्ड से डेफिनेटली लड़ूंगी। अब सुनिए राखी का गुस्सा कैसे सेंसर बोर्ड से कटरीना और मलाइका पर जा पहुंचा। मुन्नी शीला का कितना मतलब कितने उन्होंने, क्योंकि वो बड़ी फिल्मों के सॉन्ग और बड़ी हीरोइनें थी तो उनको सेंसर बोर्ड ने पॉइंट आउट नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि लीगली जाएंगे और प्रॉब्लम्स होगा, तो उनको मेरे सॉन्ग के लिए बिल्कुल कहीं से भी उन्होंने सेंसर बोर्ड को। शीला मुन्नी के बाद राखी सावंत पहुंच गई करीना कपूर तक और उड़ा दिया छमक छल्लो में करीना के डांस का मजाक। मैं ऐसा नहीं कि अपने गाने को प्रमोट करने के लिए मैं ऐसा कह रही हूँ छमक छल्लो का। छमक छल्लो गाना इतना ब्यूटीफुल है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यो मैं छमक छल्लो, यू नो जो हेगड़े ने गणेश हेगड़े ने 1, 2, 3, 4 है छमक छल्लो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो डांसर होती है उसे ऐसा लगता है कि ये गाना अगर मैं करती तो ज़्यादा बेटर होता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कहीं से भी कि करीना कपूर ने अच्छा नहीं किया, उसने अपना स्टाइल, वो हीरोइन हीरोइन मटेरियल है, वो हीरोइन मटेरियल है। अगर वो पटाखा है तो हम बॉम्ब है। बाप रे बाप, राखी का गुस्सा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। दरअसल राखी के इस गुस्से की वजह सेंसर बोर्ड कम लेकिन आजकल की हीरोइन ज्यादा है, जिनकी वजह से राखी हीरोइन नहीं बन पाई। ये हीरोइनों ने तो मुझे बहुत सता दिया है, क्योंकि सब हीरोइनें अब आइटम सॉन्ग करती है तो अब आइटम गर्ल्स कहाँ जाएगी? सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की माँ बन जाती हूँ, मेरे बेटे ऐसे करके कलेजे से लगा लेती हूँ। राखी, आपकी बातों ने तो हमें भी कंफ्यूज कर दिया है कि आपका असली प्रॉब्लम क्या है। बेहतर ये होगा कि पहले आप खुद ही डिसाइड कर लें कि आपको किस किस से परेशानी है। जिस तरह से ये हीरोइनों ने मेरे सॉन्ग पे धार डाली है तो अभी मैं इनके कैरेक्टर पे धार डालना चाहती हूँ। एंड प्लीज हेल्प मी।